अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यम्मी किचन सीक्रेट। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारी किचन में चिकन पकोड़ा की बहुत ही यम्मी सी रेसिपी बनने जा रही है। आपने चिकन पकोड़ा बोनलेस तो बहुत खाए होंगे, लेकिन मैं इसको आज बोन के साथ बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो चिकन की क्वांटिटी है वो 2 kg के बराबर है। इसको आपने तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे सिरका और 1 teaspoon नमक लगाकर अच्छी तरह से चिकन को मल लेना है। और फिर आपने इसको ठंडे पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसका सारा पानी ड्राई कर लेना है। कोशिश कीजिएगा कि इसमें कोई भी पानी ना हो। तो चलिए अब इंग्रेडिएंट्स की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे आधी चाय की चमची हल्दी, 2 चाय के चमचे नमक, 1 tablespoon सुरख पिसी हुई मिर्चें, 1 teaspoon सुरख कुटी हुई मिर्च, 1 teaspoon काली मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून आपने इसमें ड्राई कोरिएंडर थोड़ा मोटा मोटा पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच लेमन जूस लगाकर इसको अच्छी तरह से आपने मैरिनेट कर लेना है। और तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है। अब आपने एक पैन लेना है और पैन में इसको मीडियम आंच पर पकाना है कि जो इसमें चिकन में जूसेस होते हैं वो निकल आएं। आपने इस स्टेज पे चिकन को 80% तक कुक कर लेना है। और अगर इसमें थोड़ा पानी रह भी जाएगा तो वो हम जो बेसन का बैटर बनाएंगे उसमें हम यूज़ कर लेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा पानी चिकन का रह जाएगा ये आप अपने बैटर में यूज़ करेंगे तो बहुत ही यमी फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर 2 कप आपने लेना है बेसन, 1/4 cup कॉर्नफ्लोर, 1 teaspoon लेवल नमक और 1 teaspoon ही आपने लेवल सुरख कुटी हुई मिर्चें और ये जो बाकी का हमारा चिकन का पानी था वो लेना है और 1 अंडा डालकर इसको अच्छे से मिक्स करना है। बाकी आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर को ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा थिक, बस इसका नॉर्मल सा हो, तो आपने इसको चिकन में ऐड कर लेना है इस बैटर को और अच्छी तरह इस बैटर को चिकन पे कोट कर लेना है। अब आपने इसको मीडियम आंच पर फ्राई करना है। चूंकि हमारा चिकन 80% तक तकरीबन कुक है तो बस हमने इसको मीडियम आंच पर फ्राई कर लेना है। तो इसको फ्राई होने में टाइम भी बहुत कम लगेगा। जैसे ही इसके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आए तो आपने इसको सर्विंग प्लेटर में निकाल लेना है। देखिए माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। तो आपने बोनलेस तो बहुत से चिकन पकोड़ा खाए होंगे, लेकिन आप इस तरीके से ट्राई करके देखें तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।